सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। आई सपा तो मंदिर का निर्माण रुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा, गजवाए हिंद झंडा फिर नहीं रुकेगा। आई सपा तो मंदिर का निर्माण रुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा। जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर राम मंदिर का निर्माण रोक देने की बात कही गई है। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये गाना एक मुस्लिम व्यक्ति ने बनाया है। कहा जा रहा है कि इस गाने से ये समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की क्या सोच है। लेकिन ऑल्ट न्यूज ने अपनी जाँच में पाया कि ये गाना योगी आदित्यनाथ के एक समर्थक ने बनाया है। गौर से देखें तो वीडियो में ऊपर की ओर दो लोगो दिख रहे हैं। एक साइड संदीप आचार्य फैम लिखा है और साथ में एक व्यक्ति की तस्वीर दी गई है। वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। सर्च करने पर हमें यूट्यूब चैनल रुद्रा म्यूजिक का 29 सितंबर का वीडियो मिला। वीडियो के साथ बताया गया है कि कलाकार का नाम संदीप आचार्य है। वीडियो का टाइटल है आई सपा तो मंदिर का निर्माण रुकेगा। इस पूरे एल्बम का नाम योगी सॉन्ग्स है। फेसबुक पर संदीप आचार्य के तकरीबन 1,00,000 फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पेज खंगालने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि संदीप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थक है। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए संदीप ने बताया कि ये गाना उन्होंने लिखा और कंपोज किया था और वो भाजपा समर्थक है। कुल मिलाकर यूपी चुनाव में सपा की जीत के बाद राम मंदिर का निर्माण रुकवा देने की बात कहने वाला ये वीडियो झूठे दावे के साथ शेयर किया गया कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने ये गाना लिखा है। इस गीत को लिखने वाले व्यक्ति का नाम संदीप आचार्य है और वो भाजपा समर्थक है।